मेरा नाम उबशा शाहीन है और मैं लाहौर में पैदा हुई और समनाबाद में हमारा घर था। मेरे वाले साहब इनकम टैक्स एडवाइज़र थे और मैंने तालीम भी लाहौर में ही हासिल की। समनाबाद कॉलेज से मैंने बीए किया था और स्कूल भी मेरा समनाबाद में ही था। मैं पैदाइशी कादियानी थी, मतलब मेरे दादा ने और मेरे नाना ने, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैत की थी। तो उसके बाद जो मेरे वालिद साहब हैं और मेरी वालदा, वो भी पैदाइशी कादियानी थे, तो उनकी दोनों की आपस में शादी भी हो गई और मैं फिर मतलब मेरा पूरा ददयाल और ननियाल वो पैदाइशी कादियानी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में जामिया अशरफिया जाकर तो मैंने मौलाना साहब के हाथ पर बैत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने जब मैंने खुदा के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी फैमिली जो है वो इस मामले में बहुत ही कट्टर किस्म की है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो उस वजह से मेरे भाइयों ने भी काफ़ी मुझे मारा पीटा और बहुत कुछ करते रहे, इवन के घर से भी चले जाने की उन्होंने दी दम किया। लेकिन बहरहाल मैं कहीं जा तो सकती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने घर वालों का डट के मुकाबला किया और इस्लाम को छोड़ने की मैंने कोई बात नहीं की, ना मैं किसी प्रेशर में आई। और बहरहाल फिर यही है कि मैं घर में ही रही, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी, मुझे किसी भी इवेंट में या किसी भी चीज़ में वो लोग शामिल नहीं करते थे और मतलब घर में ऐसे एक बेजान चीज़ की तरह रखा हुआ था। और फिर मैंने एक मुसलमान बंदे से शादी कर ली, वो भी मेरी कामयाब नहीं हो सकी। तो उसका भी मेरे घर वालों ने यही कहा कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं और तुम्हें शादी करके क्या मिला। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैंने किसी इंसान की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कबूल किया था और दिल से कबूल किया था। अगर क्राइसिस आए तो वो बंदा मज़हब नहीं छोड़ देता, अपने मज़हब पे, दीन पे, अकीदे पर मजबूत कदमी से डटा रहता है। 80 में और 81 में मेरे सबसे बड़े भाई जर्मनी गए हुए थे, जिनकी तो बीवी जो है वो पाकिस्तान में थी। 10 साल उनकी शादी रही और उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। जब मेरे भाई जर्मनी चले गए तो मेरे वालिद साहब की अपनी बहू के साथ नजायज़ ताल्लुकात हो गए। तो शुरू में तो नहीं पता चला, लेकिन एक दिन मेरी वालदा ने देख लिया तो उन्होंने काफ़ी शोर भी डाला, काफ़ी एहतजाज भी किया, बहुत कुछ किया कि मतलब मेरे वालिद साहब इस हरकत से बाज आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बच्चे, उस वक़्त हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे दोनों छोटे भाई 9th 10th में थे, मैं थी 3rd ईयर में थी या 2nd ईयर में, और मुझसे बड़ा भाई 4th ईयर में इस, और एक मेरी बहन सीधी सादी सी है। मेरी वालदा ने, चूँकि हम लोग उस टाइम 5 बहन भाई थे, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और बड़े भाई की बीवी के साथ उन्होंने ताल्लुकात कायम कर लिए थे, तो उस टाइम हम 3 भाई और 2 बहनें वो मतलब है इस काबिल नहीं थे कि हम सब के सब स्टडी कर रहे थे, 9th 10th BA और FA में थे। तो तब मेरी वालदा ने जब उनको रंगे हाथों पकड़ा दोनों को, तो मेरी वालदा ने पहले कोशिश की कि मैं अंदर खाने इसको समेटने की कोशिश करूं, अगर ये बाहर तक बात चली गई तो मेरे बच्चों के फ्यूचर पे असर पड़ेगा, कोई इनके साथ शादी नहीं करेगा। अंदर खाने मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब इनकम टैक्स एडवाइज़र थे, दौलतमंद थे, और जो कादियानी है वो तो कहते हैं कि जिनके पास पैसा उनको सात खून भी माफ़ है, वो जो दुनिया जहाँ का गंद कर सकते हैं, बेगैरतियाँ कर सकते हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो उनको अलाउ है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो प्रेशराइज करते हैं तो गरीबों को। जब मेरी माँ उनको अंदर खाने नहीं समझा सकी तो मेरी वालदा जो है वो डायरेक्ट मिर्ज़ा ताहिर अहमद के पास गई, उस वक्त वो खलीफा था। अम्मी मेरी उनके पास डायरेक्ट गई तो जाकर मेरी वालदा ने उनसे कहा कि मेरे घर में ये एक अजाब आ गया, तो आप हमारी मदद करें, अब उस शख्स को जमात से निकालने की धमकी दें, क्योंकि इनकी जमात में ये कानून है कि अगर वो किसी को जमात से बाहर निकाले तो ये इनके लिए मरने का मकाम है। नंबर दो, अगर इनको ये भी कहा जाता है कि हम अगर जो कादियानी जमात को छोड़ेगा उसको मुर्तद कहते हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि आप उनको इस तरह से प्रेशराइज करके, तो उन दिनों सदर ज़ियाउल हक था 81 में, तो उसने मिर्ज़ा ताहिर अहमद को अरेस्ट करने का हुक्म दिया होता। वो उन दिनों अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग दौड़ कर रहा था,
लिहाजा उसने मेरी माँ को सरसरी अंदाज में लिया कि हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक शख्स सरेआम जना कर रहा है और वो उसको बजाय उसको उसके साथ गलत उसके साथ सख्ती से सलूक करते उसको थ्रेड करते, लेकिन उन्होंने पूरी जमात ने मेरे वाले साहब को सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी जो वालदा है वहाँ से मायूस होकर आ गई। उसके बाद मेरी वालदा जो है वो जमात के बड़े बड़े अहदेदारों के पास गई, जिनमें एक बहुत बड़ा अहदेदार था कुरैशी महमूद था, और इसके अलावा भी और बहुत सारे अहदेदार थे जिनके इस टाइम जो नाम नहीं आ रहे। तो उन सब ने मेरी माँ को बहुत ज़्यादा जलील किया, धक्के दिए और इनतहाई हकारत हमें सलूक किया। तो मैंने मेरी वालदा ने कहा कि अगर वो उसने अब लोगों ने उसको ये वाला काम ना छुड़वाया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा अगर तुमने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो हम तुम्हें जमात में से निकाल देंगे, और अगर तुमने कोई और एक्शन लिया तो हम तुम्हारे शोहर से कह के तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकलवा देंगे और ख़र्चा भी बंद करवा देंगे। और कुछ अरसा मेरे वालिद ने हमारा ख़र्चा भी बंद कर दिया। तो जब घर में फाके आए तो फिर मेरे भाई वाले साहब के पास गए और कहा कि ख़र्चा वगैरह तो दे। और तो मेरे वाले साहब ने यह शर्त रखी कि मैं उस औरत के साथ सरे आम रहूँगा, मुझे कोई तंग ना करे और ना कोई मुझे कोई परेशान करे। चूँकि उस वक्त भाई छोटे थे, कमाने के काबिल नहीं थे, तो मेरी वालदा जो है वो जमात ने उनको प्रेशराइज़ किया कि आप ना थाने जाएंगी ना कचहरी जाएंगी और ना ही आप इस बात का इश्तिहार बनाएंगी कि जी आपके मियाँ ने ये काम किया, वरना कुछ भी हो सकता है, वो आपको घर से निकाल देगा। तो मम्मी मेरी कहने लगी मैं 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, क्योंकि सारे रिश्तेदारों ने सारे मोहल्लेदारों ने अजीज़ों कार मिले सब ने हम पे दरवाज़े बंद कर दिए। तो मेरे वालिद को फुल प्रोटेक्शन दी उन्होंने, जमात ने भी और हर बंदे ने, उनके दोस्तों ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने। तो उसके बाद वो खुल्लम खुल्ला 14 साल तक उस औरत के साथ रहे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। 94 में उनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड से ही उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई थी। तो पूरी जमात ने उनको पूरा शेल्टर दिया, पूरी सपोर्ट दी, उनसे वो चंदे भी लेते, कहते थे कि हमें चंदे बहुत देता है। एक्चुअली बहिश्ती मकर में दफन होना मरजइयों के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है, और लेकिन ये सिर्फ वहीं वो दफन हो सकते हैं जिनके पास पैसा हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं जायदाद का 1/8 हिस्सा, फिर जो उनके जो जेवरात होते हैं उन पर पैसा लगता है, फिर महाना चंदे, फिर सालाना चंदे, और एक मोटी सी फाइल जिसको वसीयत कहते हैं वो कंप्लीट करवानी पड़ती है। और इतने ज़्यादा चंदे लिए जाते हैं कि वो लाखों की मद में चले जाते हैं। और जब वो मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा दोनों ने वसीयत करवाई थी, तो जब 94 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो वो उनको रबुआ ले गए। रबुआ में ले गए तो ये जो इनके कारकुन हैं वो गुंडागर्दी और बदमाशी दिखाते हैं और उस टाइम ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो जबकि मेरे वालिद साहब की वसीयत कंप्लीट थी, उन्होंने कहा जी 500 रुपया कम है, जनाजा तुम्हारा रुल जाए सड़ जाए, हमने जब तक आप लोग पैसा पूरा नहीं दोगे हमने इनको दफन होने की इजाज़त नहीं देनी। मेरे भाई लड़ पड़े, उन्होंने कहा उनकी तो वसीयत कंप्लीट है, लेकिन मेरे वालिद साहब के दोस्त ने कहा कि ये जो मांग रहे हैं इनको दे दें वरना तुम्हारा जो है ना बाप का मुर्दा वो रुल जाएगा। क्योंकि मरजइयों में एक ये भी है कि वो मुर्दा चाहे रुल जाए सड़ जाए उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जब तक आप पैसे कंप्लीट नहीं करोगे वो नहीं दफन होने देते। मेरे भाइयों ने उस टाइम तो हर बंदा ही उस टाइम परेशान होता है कि उसका जो है जो फौत हो गया उसकी फटाफट तदफीन हो जाए। मेरे भाइयों ने फौरन 500 रुपया दिया और फिर उनकी तदफीन हुई। 2010 में मेरी वालदा की डेथ हुई, मेरी वालदा की भी वसीयत कंप्लीट थी लेकिन उन्होंने फिर रोला डाला, क्योंकि ये लोग दिहाड़ियाँ बनाते हैं, तो इन्होंने कहा जी 250 रुपया काम है। वो भी मेरे भाई ने फटाफट 250 रुपया दिया कि वो पिछली दफ़ा की तरह ना ऐसा हो जाए, क्योंकि वो तो माहिर है मुर्दा रोलने में कि वो कुछ भी हो जाए। तो फिर 250 रुपया दे दिया और फिर मेरी वालदा की वहाँ पर तदफीन हुई। और ये बहिश्ती मकबरे के नाम पर ये लोगों को इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो भी बहिश्ती मकबरे में दफन होगा ना उसने चाहे रिकॉर्ड तोड़े हो गुनाह के वो सीधा जन्नत में जाएगा। इन बातों की वजह से मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई। मेरी जब शादी हुई और वो मेरी 4.5 साल रही और फिर वो नाकाम हो गई, तो मैं वालदा के पास आ गई थी रबुआ, तब वो ज़िंदा थी, तो उन्हीं के पास मैं रही और फिर मैंने उससे डिवोर्स ले ली। उसके बाद भी मैं अपनी वालदा के पास ही रही, तो रहती तो मैं रबुआ में थी। तब भी मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा से कादियानी हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुई।
तो फिर इस दौरान 2010 में मेरी वालदा की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो मुझे कोई भी बहन भाई रखने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर किसी ने मुझे हॉस्टल का बताया और मैं हॉस्टल आ गई। लेकिन उन दिनों मैं बेहद परेशान भी थी फाइनेंशियली तौर पर, और बहन भाइयों की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई मिलता नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल तनहा और अकेली हो गई और अपने तौर पर सर्वाइव करती रही। फिर कुछ अरसे बाद मुझे किसी ने शुबान वालों से मिलवाया, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है और एहसान है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। मैं बीमार हो जाऊँ तो तब भी वो मुझे अपने पास ले जाते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मेरी वसीयत भी लिखवा ली है कि जब मैं चली जाऊँगी इस दुनिया से तो वो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन करेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई मेरे वारिस बन जाए। तो अब मेरा अपने भाई बहनों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना वो मुझे हेल्प करते हैं, बल्कि अभी भी उनकी यही ख्वाहिश है कि मैं वापस आ जाऊँ, मगर मैं नहीं जा रही। और अब एक हॉस्टल में मैं गुजर बसर कर रही हूँ, और ये शुबान वालों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। अब मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं कादियानियों को कुफर और शिरक के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में उनको ले आऊँ।